नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मार्शल आर्ट में। आज हम आप लोग को ऐसे टेक्निक की जानकारी देने वाले हैं कि आप कभी भी कहीं जाते हो और आप पे कोई भी कोई सी बात हुआ तो हाथ अगर अटैक कर देता है। अक्सर के देखा गया है कि लोग क्या करते हैं, बस कोई सी बात हुई तो सीधे थप्पड़ उठा देते, जड़ देते हैं। तो अगर आपके साथ कभी ऐसा हो जाए, कोई आपको अचानक थप्पड़ जड़ दे, जोर से थप्पड़ मारना चाहे आपके गालों पे, तो आप कैसे अपना डिफेंस करना है, कैसे जो है उसका हाथ पकड़ के तोड़ देना है, गिरा देना है, और फिर चाहें तो दोबारा आप पंच अटैक करके उसको मार के धराशाई कर देंगे, गिरा देंगे। तो देखिए दोस्तों, इसको हम थोड़ा पहले फायर दिखाएंगे, उसके बाद बिल्कुल इसको स्लो मोशन में समझाएंगे ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाए। तो आइए दोस्तों, देखिए ध्यान से, हमारे साथ कोई है जिसे हमें पता नहीं है और उनसे बात हुई और कैसे ये हाथ उठा देते हैं, तो कैसे अपना बचाव करना है। देखिए दोस्तों, आप सीधे खड़े हो, कोई बात हुई, ये देखिए तेज़ी से मार देते हैं, तेज़ी से, ठीक है। ये देखिए, मार दिए, यहाँ ब्लॉक किया, ये देखिए, ये करके आप बिल्कुल इनको गिरा देंगे, चाहे हाथ तोड़ देंगे, और यहाँ हाथ पकड़ लीजिए, ठीक है। एक हाथ से आप हाथ पकड़े हुए हैं, इनका उठ ना पाए, दोबारा पंच अटैक कर देंगे ताकि जो है ये दोबारा आपको मारने के बारे में भी नहीं सोचेंगे। अब इसको बिल्कुल स्लो मोशन में समझाएंगे। अगर कभी ऐसा भी होता है, कोई एक गाल कोई दोनों हाथ चला देता है, तब कैसे अपना बचाव करना है ये भी हम बताएंगे। मान लो एक हाथ से अटैक किए दिए है, अगर ये दोनों से अटैक करना चालू कर दिए, ये भी अटैक किया, ये भी अटैक किया, तो कैसे खुद को बचाना है कि अपने पे चोट ना लग सके। ठीक है दोस्तों, ये दोनों हाथ से मारते हैं, ये देखिए अगर आप क्या करना है, अगर दोनों मारते हैं तो एक पे हाथ रहेंगे तो एक पे आपको लग जाएगी चोट, तो अगर दोनों से अटैक करते हैं तो दोनों से कर देना है, ये ब्लॉकिंग और यहाँ से पंच सीधा टेक। अगर दोनों तरफ से हाथ चला देते हैं तो क्या करना है आपको, इधर भी ब्लॉकिंग, दोनों हाथ आप इधर करेंगे और खुद को बचाने के बाद सीधे मिडल पंच मार करेंगे, गिरा देना है बिल्कुल। इतने अगर आप पोजिशन से पंच अटैक करेंगे तो बिल्कुल एक बार पंच मारने के बाद दोबारा आपको मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बिल्कुल दोस्तों, इस जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, कभी भी आपके साथ हो सकता है, आपने कराटे की ट्रेनिंग नहीं लिया है, कभी भी आपके साथ हो सकता है। तो यदि आपको इसकी जानकारी है तो अपना बचाव आप कहीं भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।